मांगे सर्वविदित है कि पिछले 4/8/2023 को राज्य सरकार ने एक मनमाना तरीके का निर्णय पारित करके खाजवाड़ा और छतरगंज को नवसर्जित जिले अनूपगढ़ में शामिल कर दिया था। उसके बाद से लगातार खाजवाड़ा बार एसोसिएशन की अगुवाई में संघर्ष समिति जो है जन आंदोलन चला रही है। मुंडन भी करवाया, अनशन भी किया, मेरा कैबिनेट मंत्री के पास मिलने भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी मिलने गए, लेकिन आज तक मामला जस का तस पड़ा है। कोरे आश्वासन और कोरे वादे किए गए। आज का 4 तारीख है, इस काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन ही खाजवाड़ा और छतरगढ़ को जो है अनूपगढ़ जिले में शामिल किया गया था। आज बार एसोसिएशन खाजवाड़ा के समर्थन में, संघर्ष समिति के समर्थन में बार एसोसिएशन बीकानेर व बीकानेर बार एसोसिएशन नौखा से, डूंगरगढ़ से, श्री लुणकनसर से, कोलाई से बार एसोसिएशन समर्थन दिया है और सभी अदालतों में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करके हमारे धरनास्थल पर पधारे। सभी का एक ही मांग है कि खाजवाड़ा और छतरगढ़ को बीकानेर जिले में यथावत रखा जाए, अन्यथा आंदोलन जोर शोर से शुरू होगा। अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन जो राज्य सरकार ये भावनात्मक खेल खेल रही है, सियासी खेल खेल रही है, वो जनता अब समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि मंत्री जी यहाँ खुद आके घोषणा करके गए थे कि 10-15 दिन के अंदर जो है मुख्यमंत्री ने जो है नोटिफिकेशन जारी करके खाजवाड़ा और छतरगढ़ को बीकानेर में शामिल कर देंगे। लेकिन उसके बाद न तो आज तक मंत्री जी आए, न अशोक गहलोत ने कोई रीट्वीट किया, न जनता को कोई आश्वासन दिया, न नोटिफिकेशन दिया। उल्टा कल 5 तारीख है, यहाँ विशेष आवंटन की कमेटी गठित कर दी गई। एक तरफ मंत्री जी का ये आश्वासन देना कि खाजवाड़ा बीकानेर में शामिल हो रहा है, दूसरी तरफ अनूपगढ़ जिले के लोगों को प्राथमिकता रखते हुए यहाँ विशेष आवंटन करना, मंत्री जी के कथन और करने में फर्क नजर आता है। एक तरफ उनकी पुत्री सरिता चौहान है जो अनूपगढ़ का प्रचार प्रसार कर रही है, दूसरी तरफ जो गोविंद राम जी है जो खाजवाड़ा की जनता को बेवकूफ समझते हैं, उनको दिलासा, झूठी दिलासा दे रहे हैं कि बीकानेर जिले में शामिल कर दिया जाएगा। तो हमारे को जो मंत्री जी की जो मंशा है उस पर डाउट लग रहा है। जन आक्रोश पूर्णतः है। कल 5 तारीख है, जो मंत्री जी के आश्वासन का 15 दिन पूर्ण होने को है। कल 5 तारीख के पश्चात अगर कल तक कोई डी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जनता उग्र रूप से आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी और आने वाले चुनाव में मंत्री जी को और कांग्रेस सरकार को पूर्णतः जवाब देगी। इसकी तरफ से सरकार के 9 जिलों का गठन किया है, उसमें जो अनूपगढ़ जिला को घोषित किया है, जो 4 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी करके, तो जनता को जब ये पता चला है तो जनता में भारी आक्रोश है और जनता पूरी तरह से ये नाराज है और ये अनूपगढ़ में नहीं जाना चाहते। इसलिए छतरगढ़ और खाजवाड़ा जनता एकता दिखाते हुए सभी यही मांग है कि हमें बीकानेर में यथावत रखा जाए। अगर अब यथावत का जब तक आदेश जारी नहीं होता है तब तक ये धरना जारी रहेगा और आचार संहिता लग रही है, उससे पहले अगर सरकार को अपने क्षेत्र में संभालना है, ये सभी कांग्रेस के जन, आज कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और उनकी सभी यही मांग है सरकार से कि हमारी मांग को चुनाव से जल्द पूरा किया जाए ताकि सरकार को भारी बहुमत से हम उसको जिता सकें। अगर ये डी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो यही कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर कांग्रेस को भारी मतों से हराएंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि बीकानेर के अंदर ही खाजवाड़ा और छतरगढ़ तहसील रहनी चाहिए, क्योंकि ये सीएम ने जो गेम खेला है पूरे राजस्थान में, पहले तो जिलों को बिगाड़ा और उसके बाद घर घर में मोबाइल दे के घर को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं और जो वो ये सोच रहे हैं कि हम ये ऐसा करके ये लालच दे के लोगों को राजी करके हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, इसको जनता जवाब देगी। और खाजवाड़ा और छतरगढ़ की जनता भी जो चाहती है वो अगर उसे नहीं मिलता है, उनका हक उन्हें नहीं मिलता है और ये दोनों तहसीलें अगर बीकानेर में नहीं रहती है तो कांग्रेस का सफाया बीकानेर संभाग से निश्चित हो जाएगा। और जो भी हमारे जितने भी साथी हैं बीकानेर के, आज हमने वर्क सस्पेंड किया है, आए हैं हम यहाँ, कुछ लोग आ रहे हैं बीच में अभी, तो हमारा सबका समर्थन पूर्ण रूप से खाजवाड़ा और छतरगढ़ के साथ है और हमेशा रहेगा। और क्योंकि हमारा जुड़ाव शुरू से ही खाजवाड़ा और छतरगढ़ तहसील के साथ रहा है और हम सब इनके लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। नाम मेरा बलविंदर कुमार बिश्नोई, एडवोकेट डॉक्टर बलविंदर कुमार बिश्नोई, बीकानेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय बीकानेर।